अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल। बता दें कि कंकरखेड़ा थाना पुलिस ने एसओजी के साथ मिलकर भोला रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, युक्त बदमाश को घायल कर गिरा दिया। उसकी शिनाख्त 25,000 रुपए के इनामी बदमाश रिजवान उर्फ बंटी के रूप में हुई, जिसको मुठभेड़ में गोली मार घायल कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा आत्मरक्षा के दौरान की गई इस फायरिंग में बदमाश रिजवान के दोनों पैरों में गोली लग गई है। पुलिस ने बताया कि वर्तमान में रिजवान मुजफ्फरनगर और मेरठ के थाना खरखौदा और थाना मवाना में कई आपराधिक मामलों में वांछित चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि आज वो अपने साथियों से मिलने जा रहा था और उसके बाद लूट की घटना को अंजाम देकर वापस आने की योजना थी। पुलिस ने आरोपी रिजवान के पास से अवैध हथियार और भारी संख्या में जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की है। बदमाश पर लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी रिजवान को जिला अस्पताल भर्ती करवाया है। ये एक कंकरखेड़ा थाने से पुलिस चिट्ठी के साथ लेकर आई है। उनका नाम रिजवान है, पिता का नाम सत्तार है, नंगला तासी के निवासी हैं, थाना कंकरखेड़ा के। तो इनको पुलिस द्वारा यहाँ पर लाया गया घायल अवस्था में, दोनों पैरों में जख्म है और हमने प्राथमिक उपचार करके इनको भर्ती किया, अभी हमारे सेंटर में एडमिट है। हाँ, इनको पुलिस द्वारा गोली लगना एनकाउंटर में बताया गया और दोनों पैरों में जख्म है, ये भर्ती किया, इलाज कर रहे हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।